हेलो फ्रेंड्स, पांच जंक्शन में आपके एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं नरेंद्र आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और एक खास खबर जो कि जुड़े भैया बॉलीवुड के गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार यानी कि भैया स्पीडी कुमार, अक्षय कुमार के सुपर डुपर हिट फिल्म में यानी कि भैया गुड न्यूज से। तो दोस्तों आज गुड न्यूज को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिसको सुनने के बाद मूवमेंट ना कुछ ऐसा बन गया, ओ नो क्या ऐसा हुआ था। तो आपको पता ही है कि गुड न्यूज 2019 की बड़ी फिल्मों में से एक रही है बॉक्स ऑफिस पर, यानी कि इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का आंकड़ा पार किया था और इस फिल्म को काफी एप्रिशिएशन भी मिला था ऑडियंस को और इस फिल्म के गानों ने भी लोगों का दिल जीता था और उन्हीं गानों में से एक गाना था लाल घाघरा। और इसको लेकर जो खबरें आ रही है वो बहुत ही चौंकाने वाली है। आपको तो पता ही है कि लाल घाघरा को गाया किसने था, तो भैया हरबी सहारा ने और नेहा कक्कड़ ने। और इस गाने को अब तक YouTube पर 22 मिलियन लोगों ने देख लिया है। लेकिन क्या आपको पता है ये गाना किसी गाने से इंस्पायर्ड है और वो गाना भोजपुरी का एक गाना, यानी कि भोजपुरी में इस गाने को गाया गया था किसके द्वारा, तो भैया सरबजीत सिंह और राधा पांडे के द्वारा। और ये गाना आज से 5 साल पहले यानी कि भैया 21 नवंबर 2014 को YouTube पर लॉन्च किया गया था। तो भैया जब मैंने इस खबर को सुना तो भैया मैंने दोनों गानों को सुना और दोनों गानों को सुनने के बाद मुझे लगा यार कि क्या मैं इसे इंस्पायर्ड बोलूं या फिर बोलूं कि भैया इसी गाने को उतारा गया है अक्षय कुमार की फिल्म यानी कि गुड न्यूज में। और आपको अगर मेरी बातों पे भरोसा नहीं है तो भैया आप भोजपुरी लाल घाघरा सॉन्ग लिखो और उसमें या फिर सरबजीत सिंह का नाम लिखो जिन्होंने इस गाने को गाया है, तो आप अगर इस गाने को सुनोगे तो आपको लगेगा कि वाकई में ये गाना या तो इंस्पायर्ड है अक्षय कुमार वाला या फिर बोले तो पूरा का पूरा इस फॉर्मेट को उतारा गया है उस फिल्म में। दोनों गानों को सुनने के बाद लग तो यही रहा भाई कि ये गाना कहीं ना कहीं से गाने से इंस्पायर्ड है। तो भैया इस खबर को जानने के बाद तो मुझे बहुत खुशी हुई कि भैया हमारे भोजपुरी के जो अच्छे गाने होते हैं ना उसका इस्तेमाल बॉलीवुड भी धड़ल्ले से कर लेती है। तो आप इस गाने को जरूर सुनना, सरबजीत सिंह वाला जो सॉन्ग है लाल घाघरा, उसको सुनने के बाद में आपको भी विश्वास होगा कि वाकई में अक्षय कुमार के इस फिल्म में जो यूज किया गया है गुड न्यूज में जो गाना लाल घाघरा कहीं ना कहीं इस गाने से इंस्पायर्ड है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारंट जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।